वेलकम डेटा सफिशिएंसी। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी मेन एग्जाम पीओ ऑफिस असिस्टेंट दोनों को ध्यान में रख करके ये वीडियो सेट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम होना है उसमें भी आना है, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम होना है उसके भी मेन एग्जाम में आना है। टू स्टेटमेंट वाला जो ये डीआई सेट है, डेटा सफिशिएंसी का सेट है, ये ज्यादातर ऑफिस असिस्टेंट और बैंक क्लर्क के एग्जाम में आएगा, लेकिन इतना सुंदर है कि इससे आपको सारे पीओ एग्जाम में भी मदद मिलेगी। आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। देखते हैं, पहले मैं पढ़ता हूं डायरेक्शंस। ईच क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स, वन एंड टू। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा गिवन इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। Read both the statements and choose the appropriate option. Give answer this. अब ये हर क्वेश्चन के लिए रहेगा। एक क्वेश्चन है, उसके स्टेटमेंट्स हैं, उस क्वेश्चन का आंसर ही देना है। उस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए कौन से स्टेटमेंट्स सफिशियंट होंगे उनके बारे में ये है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर आप If statement one alone is sufficient, यानी first statement से दे देते हैं, तो आपका answer हुआ A, understood है कि two नहीं है। If statement two alone is sufficient, two से अकेले answer दे देते हैं, लेकिन one नहीं है, understood। कभी कभी लिखा हुआ रहता है लेकिन कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ रहेगा। C, if either statement one or two is sufficient। If both the statements one and two together are sufficient, दोनों चाहिए, किसी एक से नहीं मिलेगा। और if data given the two statements are not sufficient, means data inadequate, means some more data are needed। ठीक है, आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। A police van starts chasing a thief car 800 meter ahead of it. How much time will it take? The police to catch the thief। ये दिया हुआ है कि 800 मीटर आगे है और पुलिस वैन पीछा करना शुरू करती है, चोर तो आगे जा ही रहा है, तो कितना समय लगेगा पुलिस वैन को थीफ के कार को पकड़ने में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको लेते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ पुलिस वैन And thief car is 9:7। तो स्पीड्स का रेशियो दिया है। आप क्वेश्चन का मैप देखिए क्या है, क्वेश्चन का मैप देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए हम बात करें कि यहां से ये पीछा करना शुरू करता है इस तरह से, तो पुलिस वैन यहां है, थीफ कार यहां है। मान लीजिए कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर आगे है, यानी ये यहां है ये यहां है, तो 800 मीटर आगे है। ए है, बी है, सी है, 800 मीटर आगे है और यहां जाके पकड़ लेता है। तो जब वो पकड़ लेगा, जब भी पकड़ेगा, तो पकड़ने में क्या लगता है, 9:7, ये स्पीड का रेशियो है। तो 9x 7x आप मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पहले का स्पीड 9x किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड 9x किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 7x किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए। तो रिलेटिव स्पीड कहता है कि इस डिस्टेंस को तय करने में, ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट के लिए स्पीड हुआ 2x किलोमीटर पर आवर,
जो भी रखिए, यूनिट से मतलब नहीं है क्योंकि हमें निकालना नहीं है, तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू तो हम जानते नहीं है। सो वन इज अलोन नॉट सफिशियंट, वन इज अलोन नॉट सफिशियंट, इससे तो अकेले आंसर नहीं मिलेगा, ये तो तय है। अब टू देखते हैं, तो वन को छोड़ देते हैं, फिर बात करते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वैन बिफोर कैचिंग द थीप इज 3600 मीटर। अगर हम सेकंड लेते हैं तो उससे क्या पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। 3600 मीटर तय करने पर ये होता है, तो हमारे क्वेश्चन में तो कुछ दिया हुआ नहीं है। टू इज अलोन नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट, दूसरा वाला भी अकेले आंसर नहीं देगा। सिर्फ 3600 मीटर मालूम है और 800 मीटर आगे है, तो उससे क्या पता चलता है? अब वन एंड टू दोनों लेके बात करते हैं, या तो दोनों मिलके आंसर दे तो आंसर इज डी, और दोनों मिलके भी ना दे तो आंसर इज ई। दोनों मिलके बात करेंगे तो हमें सिर्फ ये मालूम है कि जब वो पकड़ता है तो 3600 मीटर तय होता है। वन एंड टू दोनों लेते हैं तो 3600 मीटर तय होता है। अच्छा, स्पीड 9:7 है, हम 9x मान लेते हैं, तो 9x के हिसाब से इतना टाइम लगा, लेकिन अगेन एक्स तो हमें पता है नहीं, तो टी कहां से निकलेगा? इसलिए इवन बोथ टुगेदर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। तो समझ गए, इवन दोनों मिलकर के भी आंसर नहीं देता तो आंसर हुआ ई, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक, समझ गए। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? ई। इसका आंसर क्या हुआ? ई। यहां लिखते हैं ई। सेकंड क्वेश्चन देखता हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप में से बहुत सारे होंगे जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, डेटा सफिशिएंसी रियल में चैप्टर का पूरा कंसेप्ट टेस्ट कर लेता है, इसमें सब कुछ आते हुए भी गलत हो जाने का चांस है, समय भी ज्यादा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि सब कुछ समझ में आए तो कभी कभी तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, देखते साधन से ऐसा भी होता है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आंसर तो तुरंत है, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आप आंसर दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूं, सिर्फ ये वो बात जो मैं कहना चाहता हूं फिगर बना के कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया हमें चाहिए, इसका एरिया हमें चाहिए। रुक जाइए, निकालना तो है नहीं, निकलेगा कैसे ये सिर्फ बताना है। तो देखिए इसका साइड अगर हम कुछ मान लेते हैं कि साइड मान लीजिए ए सेंटीमीटर है या कुछ भी, तो सिर्फ साइड के रूप में इसका हर कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि साइड मालूम है तो डायगोनल मालूम है, पेरिमीटर मालूम है, सब तो ए में है, एरिया कोई भी एक चाहिए। अब स्टेटमेंट वन हम लोग लेते हैं, स्टेटमेंट वन लेते हैं, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ओके डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। इससे तो पता नहीं चलता क्योंकि ये कहता है कि इसका जो डायगोनल है तो डायगोनल रूट टू ए होता है, हम लोग जानते हैं, तो ठीक है रूट टू ए ले लिया, और ये इज इक्वल टू क्या है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। चलिए रेडियस के रूप में ले लेते हैं, तो टू आर किसका? एक सर्कल का। तो सर्कल का रेडियस का डबल यानी डायमीटर के बराबर है, बराबर है क्या? डबल है, इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द डायमीटर, ट्वाइस द एरिया ऑफ द डायमीटर डबल है, तो उससे क्या होगा? कुछ पता नहीं चलता, रेडियस हमें मालूम नहीं हो, मालूम जब तक नहीं होगा हम कैसे बताएंगे?
वन इज अलोन नॉट सफिशियंट, तो क्या बोलेंगे, वन इज अलोन नॉट सफिशियंट, वन से अकेले आंसर नहीं मिलता, सिर्फ रूल से आंसर थोड़ी मिलेगा। अब वन छोड़ दीजिए, टू की बात कीजिए। टू कहता है एरिया ऑफ द सर्कल इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे क्या होगा, मान लीजिए कोई सर्कल है उसका कुछ रेडियस है, एरिया कोई बता दे कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उससे थोड़े आंसर मिलेगा, आखिर सर्कल से स्क्वायर का क्या संबंध। टू इज अलोन नॉट सफिशियंट, इससे भी अकेले आंसर नहीं मिलेगा, टू इज अलोन नॉट सफिशियंट। इससे भी अकेले आंसर नहीं मिलेगा। अब हमारे पास रास्ते बचते हैं, या तो दोनों मिलके आंसर दे या दोनों मिलके भी ना दे, तो हम लोग बात करते हैं वन प्लस टू दोनों को लेके। अगर इससे आंसर मिल गया तो आंसर इज डी, नहीं मिला तो आंसर इज ई। दोनों मिलके पक्का आंसर देता है। अगर सर्कल का एरिया मालूम है तो उसका क्या ना मालूम है, रेडियस डायमीटर सब कुछ निकलेगा, और जब रेडियस डायमीटर कुछ भी निकल गया तो साइड क्यों नहीं निकलेगा, तो एरिया क्यों नहीं निकलेगा, बोथ। समझ में आया ना, निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए 66 मालूम है एरिया, बोले पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर निकल जाएगा, आर रख दिया तो साइड निकल गया, साइड मालूम हुआ तो एरिया, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, ये निकल जाएगा। जल्दी बोलिए, ये ना फिर से लिखता हूं, एरिया, एरिया निकल जाएगा। तो बोथ बोथ कंस्टिट्यूट द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दोनों मिलकर आंसर देगा, डी इज द आंसर। इसका आंसर क्या हुआ, मतलब बोथ आर नेसेसरी। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इन हाउ मेनी डेज 12 मेन एंड 9 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क, ये हमसे पूछा गया है। रुकिए, कुछ भी करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले मैं समझाना चाहता हूं कि हमारा क्वेश्चन है कि 12 मेन प्लस 9 वुमेन किसी वर्क को कितने दिनों में करेंगे, डेज बताइए, एक काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें चाहिए, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 8 मेन एंड 6 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। तो नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, नहीं निकलेगा, क्योंकि टू अननोन्स वन इक्वेशन कांट बी डिटरमाइंड, कैसे निकलेगा, ये हमारे मन मुंह से पहला रिएक्शन आएगा कि अकेले आंसर कैसे देगा, नहीं दे सकता। मेन वेमेन टू अननोन्स वन इक्वेशन कांट बी डिटरमाइंड, लेकिन रुकिए, अंडर सर्टन कंडीशन ये संभव हो सकता है। थोड़ा डेटा देख लेते हैं, हमें 12 मेन एंड 9 वेमेन का चाहिए। जरा गौर कीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि 8 मेन, देखिए 8 मेन प्लस 6 वुमेन किसी वर्क को 12 डेज में कर सकते हैं, बिना मेन वुमेन का जाने हुए संभव हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको मिनिमम लाते हैं, 2 कॉमन लेते हैं। अगर हम इसको 2 कॉमन ले लें, टू कॉमन ले लें यानी 2 से डिवाइड कर दें तो इनवर्स रिलेशन होता है। डिवाइड करने का मतलब लेस होना, लेस स्ट्रेंथ को ज्यादा टाइम लगेगा। 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 मेन हो जाएगा ना, और ये 3 विमेन हो जाएगा ना, और 4 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर इधर दोनों तरफ करते हैं
तो स्ट्रेंथ बढ़ गया ना, तो टाइम कम लगेगा, तो यहां 3 से डिवाइड करना होगा, फिनिश्ड। आप जरा गौर कीजिए तो क्या 12 मेन प्लस 9 विमेन इस वर्क को 8 डेज में नहीं कर रहे हैं, ये निकल गया कि नहीं? वन इज अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। वन, स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशिएंट। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं हुआ, क्या पता टू से भी अकेले हो रहा हो। आइए टू को देखते हैं, क्या पता टू से हो रहा हो। टू क्या कह रहा है? 32 men and 24 women can do the same work in 3 days. जरा गौर कीजिए, हम लोग कॉमन ले लें, 24 women and 32 men है, एज कॉमन ले लें। अगर हम एज कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 4 men plus 3 women can do a work in 3 days. एज से डिवाइड कर दें तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई करना, इंक्रीज करना, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो टाइम कम लगेगा। डिवाइड करते हैं, इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, फिनिश्ड। क्या ये 12 मेन नहीं हो गया? क्या ये 9 वुमेन नहीं हो गया? क्या ये 8 डेज नहीं हो गया? टू, यहां फिर बोलेंगे टू इज अलोन सफिशियंट। इसमें हमें पहले वाले के मदद की कोई जरूरत नहीं है। वन से भी अकेले आंसर मिलता है, टू से भी अकेले आंसर मिलता है, आइदर इज सफिशियंट। तो आंसर क्या हुआ? सी। आंसर क्या हुआ? सी। सी में क्या है? आइदर। थोड़ा शॉर्ट में लिख के छोड़ देता हूं, आइदर, आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स, यानी सी इज द आंसर, आइदर। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ है, व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट। ओके रुक जाइए, परसेंट प्रॉफिट पूछा है, परसेंट प्रॉफिट पूछा है, परसेंट प्रॉफिट। ये कितना है? तो ठीक है, क्वेश्चन में तो और कुछ दिया ही नहीं सर, परसेंट प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, द शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इस क्वेश्चन को यदि चैप्टर पर कमांड है तो बनाने का तरीका बात करता हूं, किसमें तो कुछ करना ही नहीं था। कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करके मार्क किया, वहां से डिस्काउंट दिया, तो परसेंट प्रॉफिट तो दिखाई देता है। वन इज अ लोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इज 16। इससे कैसे पता चलेगा? कॉस्ट प्राइस मालूम ही नहीं है तो परसेंट प्रॉफिट कैसे बताएंगे? सो व्हाट इज अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर बट टू नॉट, आंसर इज ए। बोले ये होगा कि नहीं? इसका आंसर हुआ वन, ए। यहां पर बात करता हूं, आंसर इज ए। अब बताता हूं, समझाता हूं, आखिर क्वेश्चन है ये, देखिए ये है, ये है, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर इसे 100 माने तो मार्क प्राइस जो है वो लिखा हुआ है कि 40% अबव है। ओके 140 है, और यहां से डिस्काउंट है 20% का, तो फिर 28 का हुआ ना 20%, तो 112 में सेल किया, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो हमें तो साफ दिखता है कि परसेंट प्रॉफिट कितना है, 12%। तो आंसर हमने दिया, वन इज अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर।
सेकंड मेथड भी है, आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये परसेंट प्रॉफिट होता है, ये भी बता सकते हैं। पर ये निकालना तो है ही नहीं ना, अगर हमें मालूम है कि निकल रहा है तो है ना, क्या जरूरत है निकालने का, 12% निकालने की जरूरत थोड़ी थी। टू की बात करते हैं, वन से मिल चुका है, अब या तो टू अकेले आंसर दे तो आइदर होगा, ना दे तो वन होगा। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट इज 16, इससे कुछ पता नहीं चलता। टू इज अलोन नॉट सफिशियंट, अकेले अलोन नॉट सफिशियंट, तो क्या हुआ, ओनली वन, देयरफॉर ए इज आंसर, जो हम लोग पहले लिख चुके थे। अब चलिए लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, और अब फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, इन हाउ मेनी इयर्स ए सम ऑफ मनी शैल बिकम फोर टाइम्स व्हेन इन्वेस्टेड एट फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ये कहता है कि कोई सम अपना फोर टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब प्रिंसिपल जो है अगर हम 100% माने तो अमाउंट जो है वो 400% हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट दरअसल 300% होगा। T इज इक्वल टू व्हाट, टाइम पूछा है, 300% कितने समय में, ये क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन वन ईयर इज ₹750। तो इससे क्या पता चलेगा, प्रिंसिपल तो हमें मालूम है नहीं, तो फर्स्ट वाला जो कहता है कि ये हो जाएगा फोर टाइम्स, तो कौन सा पैसा हो जाएगा फोर टाइम्स, कोई भी पैसा हो, वन ईयर में 750 होता है, वन ईयर में 750 इंटरेस्ट होता है, तो देखिए फोर टाइम्स होगा, टाइम तो हमें मालूम है नहीं, 300% इंटरेस्ट मिला, लेकिन कितने ईयर्स में, ये तो हमें चाहिए, और रेट हमें पता है नहीं, इसलिए हम बता सकते नहीं है, वन ईयर में इतना होता है, लेकिन हमें प्रिंसिपल मालूम नहीं है कि हम बता सके कितना परसेंट है, इसलिए वन इज अलोन नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। मतलब फर्स्ट वाला कहता है कि SI जो है इज इक्वल टू ₹750 है, टाइम वन ईयर है, तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ फोर टाइम्स के बारे में कह रहा है, कितने वर्षों में तो नहीं कह रहा, कितने वर्षों में तो ये तो पूछ ही रहा है, तो हमें यहां रेट चाहिए था, अगर रेट मालूम होता तो हम बता सकते थे। तो वन इज अलोन नॉट सफिशियंट, वन इज अलोन नॉट सफिशियंट। अब सेकंड देखते हैं, द सम डबल्स इन 8 years, ये तो हो गया। सेकंड वाला तो कहता है कि 100% इंटरेस्ट मिलने में 8 years, तो 300% मिलने में 24 years, ये तो आंसर मिलता है, ये तो पता है, आसानी से बता सकते हैं। सेकंड वाला तो कहता है कि प्रिंसिपल को यदि आप 100% मानते हैं तो अमाउंट होता है 200% और इंटरेस्ट होता है 100%, पर टाइम दिया हुआ है 8 years, यानी 100% मिलता है 8 years में, तो आप बता सकते हैं कि 300% मिलेगा कितने years, ये निकालने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, तो 2 इज अ लोन सफिशियंट टू गिव द आंसर। Sufficient to give the answer. लेकिन वन से तो मिलता नहीं, तो आंसर क्या हुआ, बी इज द आंसर, बोलिए बी इज द आंसर। मुझे उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। डिफरेंट एग्जाम के लिए मेरे पोस्ट करने का सिलसिला जारी रहेगा। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा जो क्वांट का
सारा प्लेलिस्ट है वो अपने आप में सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन नए नए क्वेश्चन नए डेटा के साथ आने बनाने से और उसको देखने से आपका मनोबल बढ़ेगा, इसलिए मैं पोस्ट तो करता ही रहूंगा। ऑल द बेस्ट।